कि आपके आश्रम में जाने के बाद यूं लगता है कि जैसे आप किसी हनुमान जी, शिव भगवान, इन सबको मानते नहीं हैं। जो आज संशय आपके मन में आया है, ये सवाल आप हमारे से तो कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी से, शिव से, विष्णु से और ब्रह्मा जी से नहीं कर सकते। नाम दाम दक्षिणा दीक्षा दे में है, लेकिन फिर नो कह दे हैं कि भाई अपने देवी पितरा ने ना पूजो, अपने देवी पितरा ने ताले में बंद कर दो, वो क्या मतलब? ना तो हम कहते हैं ना इन चीजों को मानते हैं। पहली पूजा अपने माँ बाप की करो, सभी देवी देवताओं से बड़े हैं, सभी गुरु महात्माओं से बड़े हैं, माँ बाप के समान कोई देवता नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा नहीं है। तो मतलब जो हमारे यूं का भाई मोसन है, वह माता दोकनी है, वह चीज दोकनी है, तो ये करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जो माँ बाप की पूजा नहीं करता वो किसी को नहीं पूछता। माँ बाप को जो ठोकर मारते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तोहफे भेंट चढ़ाते हैं, कपड़े दे के आते हैं, नोट दे के आते हैं, प्रसाद दे के आते हैं, क्या है उनके पास? सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, राधा स्वामी। राधा स्वामी कह दिया तो बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे मेरे तरह युवाओं को समझ में आ गई होगी मैं आज कहाँ पर आया हूँ। मैं हूँ आज भिवानी के दिनोद आश्रम में और बड़ा ज़बरदस्त सा इंटरव्यू है, क्योंकि शंकाएं जीवन में हैं और उस शंकाओं को दूर करने के लिए ही गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं आज गुरुजी के पास आया हूँ कुछ सवालों को लेकर। तो गुरु थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा लूज हो जावा है जब मैं कुछ आध्यात्मिक या इस तरह के कुछ इंटरव्यू करता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं इंटरव्यू कर पाऊँ और गुरुजी से मेरे सवालों के, संशय के जो विचार हैं उनको मैं दूर कर सकूँ। राधा स्वामी। राधा स्वामी। गुरु जी कैसे? ठीक आप? मैं गुरुजी एकदम बढ़िया। गुरुजी कल मैंने आपका आश्रम देखा बरवाड़ा में, और जब मैं आपके आश्रम में घूम रहा था तो कुछ संशय हुए दिमाग में और लोगों के सवाल भी हैं ऐसे भाई, जब हम कुछ, एक आपका ही नहीं बहुत सारे ऐसे और भी आश्रम है जहां पर ये संशय क्रिएट होते हैं। पहला संशय यही कि आपके आश्रम में जाने के बाद यूं लगता है कि जैसे आप किसी हनुमान जी, शिव भगवान, इन सबको मानते नहीं हैं, और जो भी आपके विचारों से जुड़ा है वो सभी, यूं लगता है कि इन्होंने भगवान की मूर्तियां जो हैं, हमारे इष्ट देवताओं की मूर्तियों को जैसे इन्होंने छुपो के रख दिया, अब उनका कोई जगह नहीं, ये नकारात्मक विचार आता है, इसका मतलब क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो संत मत की भक्ति है ये निर्गुण भक्ति है, और जो आप सोचते हो सरगुण भक्ति है। संत मत में किसी भी देवता को, किसी भी जिनको हम पूजते हैं जी, ये हिदायत नहीं है कि मत पूजो, जिसकी जो आस्था उसको मानता रहे, लेकिन गुरु का दर्जा इसलिए ऊंचा बता दिया जाता है कि जो बीते हुए हैं वो आपको आज बताने के लिए कुछ नहीं आएंगे।
जो आज संशय आपके मन में आया है जी। ये सवाल आप हमारे से तो कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी से, शिव से, विष्णु से और ब्रह्मा जी से नहीं कर सकते। सही बात। किसी देवी देवता से जाके नहीं पूछ सकते कि आपको ये लोग क्यों नहीं मानते हैं, इन्होंने मानना क्यों छोड़ दिया, लेकिन हमारे से आपने पूछ लिया, तो इसलिए ना तो उनके सिद्धांत को, उनके गुणों को, उनके नियमों को, उनके जो धर्म के अच्छे बताए हुए रास्ते हैं, उन सब को हम यूं का त्यों बताते हैं। हम सत सनातन धर्म को मानने वाले धर्म की जितने भी नियम हैं उन सब का पालन करते हैं और उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए शिक्षा देते हैं और उनको हम उसी रूप में इज्जत से, सम्मान से देखते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते। मात्र मूर्ति पूजा ही, मतलब आप वेदों को मानते हैं, गायत्री मंत्र को मानते हैं, हनुमान जो हवन करते हैं, उन चीज सब चीज़ों प्रकृति में जो भी चीज़ बनी हम सब चीज़ को मानते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम नहीं मानते। जो नहीं मानते आलोचना करते हैं जी, तो समझो कि वो उनका अपना सीमित ज्ञान होगा। मतलब आप आलोचना भी नहीं करते भगवान शिव की, लेकिन आप निर्गुणाकार ईश्वर की भक्ति करते जी। हम निर्गुण की, विदेह की, शब्द की भक्ति बताते हैं और वो सब के सब उसके अधीन हैं। ओम शब्द को भी आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ओम तीन लोक में सबसे बड़ी चीज है। ओम का मतलब ही तीनों शक्तियां हैं, ए, ऊ और मैं। ऐसे उत्पत्ति, ऊ से स्थिति, मैं से प्रलय, और तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन हैं। ये तीनों गुण त्रिगुणात्मक है, क्यों नहीं मानेंगे? ब्रह्मा जी ने रचना की है, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन जी इनके पास मुक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कही है, इन सरला की काई, इनके भरोसे कोई मत रही हो, इन्होंने मुक्ति पाई, इन्होंने भी भक्ति की है। जगह जगह शास्त्रों में देखोगे इन्होंने भक्ति किसकी की, तो हम सीधी उसी की भक्ति करना हम बता देते हैं, तो कौन सा जुल्म है? मतलब हमें जब लगता है कि शिव भगवान जब हिमालय पर्वत पर जिस चीज की तपस्या कर रहे हैं, वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? उन्हीं की तपस्या आपसे, वो उसी विदेह की तपस्या वो करते होंगे ना, मतलब उनसे बड़ी शक्ति कोई और है। वो किसकी भक्ति करते हैं, वो किसको याद करते हैं, उसको हम सीधा याद करना बताते हैं, लेकिन हम आलोचना इनकी भी नहीं करते, क्योंकि वो भी अलौकिक शक्तियाँ लेके इस मंडल में उपस्थित हुए, लोगों के कल्याण करते हैं, उनके भी हित की बात करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो जैसी इच्छा रख के उनसे मांग करता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है, उनसे वो सरगुण देवता हैं, और सरगुण देवता से दुनियादारी की चीज़ें जो मांगते हैं मिलती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अगर कोई संशय पड़ता है तो उसके बारे में पूछना चाहे तो उनसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो बीत चुके हैं। इसलिए हाजिर गुरु को, सतगुरु को मानते हैं। जिस प्रकार से संख्याओं का निवारण अब हो रहा है तो वो हाजिर होगा, वही बताएगा जी। बड़ा संतुष्टि पूर्वक जवाब था भाई, मुझे लगा, मतलब मेरी तो संतुष्टि होगी। आपका क्या कहना, आपकी सोच है? गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न आता है, ये तो है हनुमान जी शिव जी के बारे में, मेरा दूसरा प्रश्न आता है जो लोगों के बीच में भी चलता है कि भाई गुरु जी के पास चले जाओ, वहाँ वो अपना एक नाम दाम दक्षिणा दीक्षा देवे हैं, लेकिन फिर नू कहते हैं कि भाई अपने देवी पितरा ने ना पूजो, अपने देवी पितरा ने ताले में बंद कर दो, वो क्या मतलब हुआ? कोई गुरु ऐसा होगा जी जिस जो ये कहता होगा? ना तो हम कहते हैं ना इन चीजों को मानते हैं। मानते भी नहीं और कहते भी नहीं, नहीं जी। हम ये कहते ही नहीं और ना इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि किसी को ये कहा जाए। हम ऐसी शिक्षा किसी को नहीं देते। हम तो कहते हैं पहली पूजा अपने माँ बाप की करो, सभी देवी देवताओं से बड़े हैं, सभी गुरु महात्माओं से बड़े हैं, माँ बाप के समान कोई देवता नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा नहीं है। जिन्होंने माँ बाप की सेवा की उनके पास तो परमात्मा खुद आके दर्शन दिए। श्रवण कुमार ने किसकी पूजा की थी? माँ बाप की। जाहिर है, तो प्रथम पूजा माँ बाप की है। जो माँ बाप की पूजा नहीं करता वो किसी को नहीं पूजता है।
माँ बाप को जो ठोकर मारते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तोहफे भेंट चढ़ाते हैं, कपड़े दे के आते हैं, नोट दे के आते हैं, प्रसाद दे के आते हैं, क्या है उनके पास? जिसके विचार ये नहीं है, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो किसी की पूजा नहीं करते वो। तो मतलब जो हमारे यूं कहो भाई मोसने वह माता दोकनी है, वह चीज दोकनी है, तो ये करने चाहिए कि नहीं? ये अपने रीति रिवाज और मान्यताएं हैं, हम किसी को नहीं कहते ना करो। अगर किस अगर कोई उनको मानता है तो क्या होगा कि घर के बच्चे अच्छा भोजन खाएंगे एक दिन के लिए जी। और उनको ये तो पता ही नहीं है किसको क्यों दोखते हैं, माउस कौन से देवता को दोखते है बताओ, आप बता दो कौन से देवता को माउस को दोखते हो? अमावस्या को तो यूं ही सुना है जी, जो पितर होते हैं जी, पितर होते भूले भटके जिनको हम जानते ही नहीं, जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो इस तरीके के जो हमारे पूर्वज जो एक्सपायर हो गए या उस तरीके से हम कुछ। अच्छा, जीवित बाबा की पूछे ना बात, मरे बाबा ने बुरा बात, जीते जी तो उनकी सेवा करते नहीं, मरने के बाद में उनका भोजन बना के खुद खाते हैं और कहते हैं कि हम उनको पूछते हैं। कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे जी, और रामानंद जी ने एक बार क्या कहा, उनसे कहने लगे कि जा भाई खीर बनानी है, दूध लेके आओ जी। तो उसके लिए कबीर साहब गए सुबह से जाके और बैठ के, बोले कि खीर किस लिए बनानी गुरु जी? जी ने बोले कि मेरे जो माँ बाप हैं उनके वो ये अपने कनागतों में दिन निकालने होते हैं ना, कि कनागत निकालना है और उसके लिए आप पधारो दूध लेके आओ। कबीर साहब सुबह गए जाके बैठ के, आए नहीं। और कहाँ जाके बैठ के? जहाँ पे मरे हुए ढोर डालते हैं उस जगह पे पूरा दिन बिता दिया। वो कहने लगे अरे टाइम हो गया, सारा दिन गया, कम से कम तुम जाके देख के आओ, कबीर साहब आए नहीं अब तक। किसी ने ढूंढ डांड के देखा तो जहाँ पर मरे हुए ढोर डालते हैं वहाँ बैठे। बोले कि आप दूध लेके नहीं आए? बोले कि लेके आऊँगा। बोले कहाँ से लाओगे? बोले ये यहाँ पे मरी हुई वो गऊ डाली गई है, ये दूध देंगी जब लेके आऊँगा। रामानंद को जाके बताया कि वो तो ऐसे ऐसे करे बैठा है, कहता है कि ये गायें जो मरी हुई हैं ये दूध देंगी, तब मैं दूध लेके आऊँगा, फिर खीर बनेगी जब पितरों को ये भोजन दिया जाएगा। अच्छे मूर्ख है जी। बोले कि ये क्या भला है, जाके कबीर साहब से कहने लगे ये क्या है जी? बोले कि मरी हुई गायें कभी दूध देती हैं, तो उन्होंने बोला मरे हुए आदमी कभी भोजन खाने के लिए आते हैं? तो जिनको हम जानते ही नहीं उन तक पहुँचते नहीं, जीते जिसकी सेवा नहीं करते, जो अपने माँ बाप को तो मान्यता देते नहीं हैं और जगह जगह फिर ठोकर खाते फिरते हैं, उनको क्या मिलेगा? मंदिर दे देगा उनको, गुरु दे देगा? ये हमारी मान्यता है और ये हमारी शिक्षा है। लेकिन फिर भी क्या आप अपने साधकों को डायरेक्ट मना कर देते हो भाई रहन दो ये ना करा? नहीं, किसी को मना नहीं करते, मना करते बुरे कामों से, शराब ना पियो, कोई किसी प्रकार का नशा ना करो, मांस मछली अंडे ना खाओ, किसी का बुरा ना करो, अपना नेक कमाई कमा के खाओ, किसी से धोखा ना करो। भले ही वो गुरु दीक्षा लेके भी अपने देवी पितरों को अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, उसका कोई अनर्थ नहीं। नहीं नहीं, पूरी छूट है। मैं तो कहता हूँ जिसकी कीड़ी तक भी राजी होने वो तो गुरुओं के पास जाए। अगर उनके घर वाले भी नाराज हैं तो उनका मुंह माथा भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? कि जहाँ जाने से तुमने घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? सबको खुश करके आओ, जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे गुण मिलते हैं, तुम्हारा जीवन का सुधार होता है, जरूर जाओ। एक चीज़ के लिए भी मना नहीं करते हैं, ये लोग अपने आप बना लेते हैं ऐसी बातों को, कहते हैं हम सत्संगी हो गए, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। गुरु नहीं कहता किसी को, अगर कहता है तो गुरु भी नहीं है। क्या बात है, देखो भाई संशय इस तरीके से दूर होते हैं, अदरवाइज तो हम घर बैठे बैठे मन ने सोचा हाँ जो गुरु का नाम भी नहीं लेते वे भी ये बात सोचे हैं भाई गुरु ने नाट रखा है जैसे ये पूछ दे को नहीं। लेकिन यह बात एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया भाई ना तो हम मना करते और जो मना करे वो गुरु भी नहीं है। तो अपने संशय की पोटली खोलो और इसी तरीके से आपके संशय दूर होंगे। तीसरा प्रश्न, गुरु जी मैं शिव की पूजा करता हूँ, हनुमान की पूजा करता हूँ और कोशिश दिमाग में रहता भी आत्म साक्षात्कार हो। आप एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, आत्म साक्षात्कार होने के बाद का अनुभव क्या होता है? आज मैं सोच रहा हूँ मेरी भगवान मेरे को दर्शन दे दें और बस फिर मैं जमा गंगा नहाया जाऊँगा,
आपने वो सब कुछ, वो क्रियाकलाप सब आप, मतलब वही फिर बात कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, आत्म साक्षात्कार होने के बाद का अनुभव क्या होता है, आपकी तरीके से आत्म साक्षात्कार होता क्या?